रोहन जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब की बात पर, लेकिन ये आरबीआई ने ही अपने सर्कुलर में आज एक्सप्लेन किया है कि प्राइमरीली टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, उस वक्त जब नोटबंदी की गई तो करेंसी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें 2000 रुपए के नोट छापने पड़े थे। अंजना जी, पहली बात तो ये कॉमेडी ऑफ एरर हो रहा है। आरबीआई ने 6 या 7 साल लग गए क्या करेंसी की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए? आपका टेम्पररी स्टेप था, आप 6 महीने में उसको बंद कर देते। मैं आरबीआई का सर्कुलर ही पढ़ रहा हूं, उसमें कहा गया है कि अभी 23.62 लाख करोड़, मतलब 10.8% ऑफ द नोट इन सर्कुलेशन आर ऑफ 2000 नोट्स। तो क्या ये आम आदमी के पास कोई हास्यास्पद बात है? किसी की 20,000 भी सैलरी है तो क्या उसके पास 10 नोट नहीं होंगे क्या? और उस टाइम पे भी अंजना जी लाइन में कौन लगा था? तब कहा जाता था कि करोड़ों जिसके घर में है वो लोग लाइन में, लाइन में तो आम आदमी मरा था। आज जो जो 100 करीब 800 हजार 2000 लोग जो भी जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो तो आम आदमी था, वापस किसको लाइन में लगना पड़ेगा? किसी के पास 5 नोट भी है अंजना जी, एक बार तो उसको लाइन में लगना पड़ेगा, एक बार तो अफरा तफरी होगी। तो ये सरकार का जो एक तुगलकी निर्णय का जो स्टाइल है, पहले सोचे बिना पहले थोप दो और फिर उसको वापस लो और फिर उसका लॉजिक दो। आज मुझे शर्म आ रही है कि भाजपा के प्रवक्ता जो लॉजिक दे रहे हैं, आप पहली बार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद में 54 भी देश के लिए नहीं बचा पाए, वापस आप आम आदमी को लाइन में खड़ा कर रहे हैं, वापस आप उसी तरह से जवाब देना चाहता हूँ। 2000 का नोट आम आदमी के पास नहीं होगा, ये कहना मजाक है। आप क्या कह रहे हैं? किसी के पास अगर 1 लाख रुपए भी है 2000 की नोटों का, मतलब 20,000 रुपए अगर रोज करना है तो उसको 5 बार बैंक में जाना पड़ेगा। आज मध्यम वर्ग को 5 बार दिन में अपना काम छोड़ के बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा, अफरा तफरी होने ही वाली। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को अपने ऑब्जेक्टिव में कोई क्लैरिटी है और इसे आम आदमी जैसे 7 साल के पहले पीसा था, वापस इस प्रक्रिया से आम आदमी ही पीसने वाला है, आम आदमी इसमें पीसने वाला है। जल्दी से आपका आपका एक रिएक्शन इस पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले, एक सेकंड सर, अक्सर जो मुख्य बात होती है वो बहस में खो जाती है, अपने दर्शकों को फिर से बता दे 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, अभी भी वो वैध रहेगा। 30 सितंबर तक आपके पास यानी 4 महीने का वक्त है जिसमें 20-20 हजार करके रोजाना आप अपने नोट को बदल सकते हैं। 20,000 रुपए के यानी 10 नोट आप अगर ये 2000 वाले ले जाएंगे तो 10 नोट आप ले जा सकते हैं, बैंक में आप उसको बदलकर आपको 500 के 200 जो भी आपको नोट्स चाहिए वो नोट्स मिल जाएंगे। 20,000 तक इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर वो जाते हैं बैंक को भी काम करने में डिसरप्शन ना हो। तीसरी तरफ आप अभी वो लीगल टेंडर है तो अगर आप खरीद रहे हैं कुछ ले रहे हैं कोई आपको इनकार नहीं कर सकता है, और इसी के साथ 30 सितंबर तक की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। अब छोटा सा जवाब सैयद जफर इस्लाम साहब, वो कह रहे हैं कि इसमें पिसता है आपके फैसलों में। देखिए अंजना जी, बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहे हो और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देश के नागरिकों को कि आम नागरिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जरा सा भी नहीं फर्क। आपको इसके दो कारण बताते हैं। पहली बात को अपने दोस्त रोहन जी को बोलूंगा कि जरा वो सर्कुलर फिर से पढ़े, 23.62 नहीं 3.62 लाख करोड़ है, 3.62 लाख करोड़, और वो भी आप सर्कुलेशन में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें 2000 के नोट इस्तेमाल नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं होर्डिंग करके रखा गया, छुपा के रखा गया है और वो कम होते जा रहा है, सर्कुलेशन में कम हो रहा है। तो इसको इनको ये भी बताना चाहते हैं कि उस वक्त जो जरूरत के तहत आरबीआई ने बताया, उस वक्त की जो द मनी इन सर्कुलेशन इकोनॉमी में चलने के लिए, मनी इन सर्कुलेशन जो परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी इसमें है, इसमें वो जितना परसेंट रहना चाहिए था उसके लिए 2000 का नोट उस वक्त इशू किया गया था। लेकिन जैसे जैसे जो है आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उसकी सर्कुलेशन जो है कम होते रह गए, इकोनॉमी से बाहर निकलते।